नमस्कार साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं झारखंड में प्रतिदिन ई विद्या वाहिनी के माध्यम से शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं परंतु ई विद्या वाहिनी में लॉग इन और लॉगआउट के समय एक समस्या आती है इस समस्या का क्या समाधान है इसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कमेंट्स करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और इससे अच्छी अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पर ला सकूं तो देखते हैं वीडियो में ई विद्या वाहिनी के समस्या का समाधान क्या है साथियों मैंने अपना ई विद्या वाहिनी ऐप को खोल लिया है और अब यहाँ सबसे पहले हम लोग इसमें टीचर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना आई और एम पिन को डालकर लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करते हैं साथियों मैंने अपना आई और एम पिन डाल दिया है और अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ नीचे लिख कर आ रहा है यू हैव ऑलरेडी लॉग इन विथ एनदर डिवाइस प्लीज लॉग आउट फ्रॉम ओल्ड डिवाइस एंड लॉग इन अगेन इन द न्यू डिवाइस इफ़ यू डू नॉट हैव एसेस टू द ओल्ड डिवाइस कॉनेक्ट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ऑफिस टू री सेट द लॉग इन तो इस प्रकार से साथियों इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने दूसरे डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है पहले उस डिवाइस को लॉग आउट कीजिए उसके बाद लॉगिन कीजिए अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं अपने पुराने डिवाइस को जो है नहीं खोज पाते हैं तो आपको डिस्टिक या ब्लॉक ऑफिस में जो है जाकर इसे रिसेट करवाना होगा तो साथियों ऐसा क्या हम कर सकते हैं ताकि बार बार हमें डिस्टिक या ब्लॉक जाना ना पड़े इसे रिसेट करवाने के लिए तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है तो क्या स्कूल लॉगिन में भी समस्या होती है या नहीं तो स्कूल लॉगिन करके देखते हैं तो मैंने यहाँ पर अपना स्कूल का जो है डाइस कोड डाल दिया है आप जैसा कि जानते हैं विभाग द्वारा एक पासवर्ड दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव बहुत सारे विद्यालयों ने इस पासवर्ड को भी चेंज कर लिया है आप भी इसे चेंज कर सकते हैं इसके लिए नीचे फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं तो हमने चेंज नहीं किया है तो अब इसे हम लोग लॉग करते हैं और देखते हैं कि लॉग हो रहा है या नहीं तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल लॉगिन हो चुका है तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर स्कूल लॉगिन हो चुका है अब हम लोग इसमें किस प्रकार से पुनः अपने अपने जो है आईडी को डालकर और एम पिन को डालकर कैसे अब हम लोग इसको कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो लॉगआउट दिया हुआ है इसे लॉगआउट करना होगा तो इसे हम लोग लॉगआउट करते हैं तो इसे मैंने लॉगआउट कर दिया है अब आपको जो है सबसे पहले अगर आपके पास कोई दूसरे डिवाइस में पहले से लॉगिन किया हुआ है तो सबसे पहले आप वो देख लें कि दूसरे डिवाइस में यह लॉग इन है या नहीं तो उसे देखते हैं और उसके बाद इसे लॉग इन करते हैं तो साथियों मेरे दूसरे मोबाइल में भी यह लॉगिन था उसमें मैंने लॉगआउट कर दिया है और अब टीचर जो यूनिक आईडी है उसे डालकर और एम पिन डालकर इसे हम लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने टीचर आईडी को डाल दिया है और एम पिन डाल दिया है और अब इसमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करके इसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो साथियों देखिए यह लॉगिन हो चुका है तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या यह हमारे ही नाम से लॉग इन हुआ है तो साथियों हम देख सकते हैं कि यह मेरे ही नाम से लॉग इन हुआ है तो क्या है इस समस्या का समाधान कैसे मैंने दूसरे मोबाइल में जो लॉगिन था उसे लॉगआउट किया और इस पर लॉगिन हो गया इसके लिए साथियों आपको नीचे आप कभी भी सीधे लॉगआउट नहीं करेंगे इसके लिए आपको नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वांट टू चेंज मोबाइल इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो साथियों देख रहे हैं इस पर एक आपको पॉपअप दिखाई दे रहा है इस प्रकार से लॉगॉउट डिवाइस ऑल मास्टर डाटा सेव्ड इन दिस डिवाइस विल बी रिमोव परमानेंटली You would not be able to log in offline. Do you want to log out from device? इस प्रकार से आपको जो yes आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इस जो है आप पुनः अब जो है किसी भी डिवाइस में इस इस डिवाइस में या किसी अन्य मोबाइल में आप इसे आसानी से लॉग इन कर पाएंगे तो यह है समाधान ई विद्या में अगर आपको आउट हो जाता है तो इस प्रकार से आपको लॉग आउट करना है न कि लॉग आउट पर बल्कि वन टू चेंज मोबाइल में आपको क्लिक करके जो है दूसरे मोबाइल में अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं या आप टीचर से स्कूल आईडी में लॉगिन कर सकते हैं या स्कूल आईडी को को लॉगआउट करके फिर से अपना जो है टीचर आईडी देकर एम पिन आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं तो ये छोटा सा वीडियो था शिक्षक सिक, साथियों यदि आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे और भी अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पर ला सकता हूँ तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में